चिकन जलफ्रेजी, इस पर मैंने डाले हैं चिकन में मैंने डाले हैं कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, चाइनीज सॉल्ट एंड धनिया पाउडर, इन सब को अच्छे से मैरिनेट करके थोड़े से दही में मैरिनेट करके रख दिया है। और उसके साथ ही हमें चाहिए यहाँ पर शिमला मिर्च ऐसे लंबाई में कटी हुई, टोमेटोज बीज निकले हुए कटे हुए, प्याज छोटी एक, और साथ ही मैंने हरी मिर्चों को भी यहीं काट लिया बारीक सा। और इसके साथ हमें एक चाहिए ये कनौर का चिकन स्टॉक और एक टमाटो का थोड़ा सा पेस्ट चाहिए। अब हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये कम से कम 2 टेबलस्पून ऑयल है। जब तक ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है हम इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज, हमें अभी वेजिटेबल्स को सौते करना है। डालेंगे सबसे पहले प्याज, यहाँ पे हम पकाना नहीं है, हल्के हल्के इनको सॉफ्ट करना है बस। ठीक है, अब हम इसमें से हाफ प्याज निकाल लेंगे, बस हमें इतना ही करना था, अभी तो फुल निकाल लेंगे, हाफ प्याज निकाल के हाफ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च जिसको हमने ऐसे लंबाई में काट लिया है, उसी के साथ डालेंगे टमाटर, इनको हाई फ्लेम पे अच्छे से बस इतना करेंगे कि सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही करना था। देखिए अब हमने सारी निकाल ली, अब वापस हम इस पैन में आएंगे और जो हमने प्याज निकाली थी उसे अब हम वापस डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमें इस प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसमें हम 1 चम्मच भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम तेज करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी सारी हीट ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बोनलेस चिकन है तो इतना टाइम भी नहीं लेगी। अच्छा, मैंने इसमें फूड कलर भी ऐड किया था, मैं आपको बताना भूल गई। जब तक ये फ्राई होता है, अभी अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन, वाइट हो गई, अब डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से इसका पूरा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसका पानी 70% का ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स का कलर्स कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम इसे दम पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमारी तैयार है जलफ्रेजी, बस हम इसका चूल्हा अब बंद करेंगे और अब हम फ्राइड राइस बनाएंगे। वाला 1.5 कप चावलों का भी भूख लिया था, तो अच्छे तरीके से 15-20 मिनट तक सीख चुके हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, यहाँ पे हम 1 अंडे को अच्छे से बीट करेंगे, 1 अंडे को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा एग फ्राई हो चुका है, भिगोते उसे उबलते हुए पानी में 1 चम्मच नमक डाल के 95% तक हम बॉइल कर लेंगे, बाकी का 5% हम फ्राइड करेंगे। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, हम इस पर ठंडा पानी डाल देंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे, उसमें 2 जमे लहसुन डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, सिर्फ हमें हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, साथ ही इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी और शिमला मिर्च,
और इसे जस्ट फ्राई करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट फ्राई करना है। और जो हमने चिकन क्यूब बताया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें ही और भी नमक होता है तो ख्याल रखिएगा नमक डालते हुए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही राइस डाल के अच्छे से हाई फ्लेम पे जस्ट मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हमने एग फ्राई किया था वो इसमें ऐड करेंगे, हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे। अब जस्ट हम इसको 5 मिनट दम पे लगाएंगे, देखें कितने अच्छे लग रहे राइस कितने खिले खिले हैं। ठीक है, अब हम इसे बिल्कुल देखें लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। दम लग चुका है, जल पेजी भी यहाँ पे तैयार है, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी ये है इसका फाइनल लुक।